कल के 2898 एडी रिव्यू माइथोलॉजी शानदार विजुअल्स और इमोशंस का बेहतरीन कॉम्बो है फिल्म क्लाइमैक्स देख थम जाएंगी सांसें। पिछले साल रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म जवान के बाद अब जाकर थिएटर्स में बिजलियां दौड़ा देने वाला माहौल बना है। ये प्रभास का स्टारडम है, ये कल की 2898 एडी का क्रेज है। कल की 2898 एडी का ट्रेलर ये यकीन दिलाने में पूरी तरह कामयाब था कि ये इंडिया की अपनी सुपर हीरो फिल्म है जो इंटरनेशनल लेवल पर धमाका करने का दम रखती है। साउथ के सबसे बड़े स्टार्स में से एक प्रभास और हिंदी की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक दीपिका पादुकोण कल की 2898 एडी के लीड एक्टर्स हैं। हिंदी सिनेमा के महानायक और साउथ के ओल्गा नायगन यानी कि यूनिवर्सल स्टार कमल हासन महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं और बंगाली सिनेमा से निकलकर आए शाश्वत चटर्जी फिल्म में एक बड़ा किरदार निभा रहे हैं। कल की 2898 एडी इंडियन माइथोलॉजी को साइंस फिक्शन के साथ लेकर आ रही है और ये एक्सपेरिमेंट ट्रेलर में ही शानदार नतीजे लेकर आता दिख रहा था। फर्स्ट लुक के बाद से ही कल की 2898 एडी का इंतजार जनता टकटकी लगाए कर रही थी और आखिरकार वो वक्त आ गया जब 2024 की सबसे बड़ी इंडियन फिल्म थिएटर्स में जनता के सामने है। आइए बताते हैं कैसी है फिल्म, कैसा है माहौल और कैसा है इस दमदार स्टार कास्ट का भौकल। कल की 2898 एडी के पहले फ्रेम से डायरेक्टर नाग अश्विन ने एक दिलचस्प संसार रचा है। डिस्टोपियन वर्ल्ड की सेटिंग में काशी की डिटेल्स सारे रिसोर्स से भरपूर कॉम्प्लेक्स का हाईटेक संसार इंटरेस्टिंग लगता है। प्रभास का किरदार भैरव हर रोज सर्वाइवल की जंग लड़ रहे लोगों के बीच वैसी सोच वाले इंटरेस्टिंग किरदार हैं। उनका बाउंटी हंटर परसोना इंटरेस्टिंग तो है लेकिन उसकी कॉमेडी थोड़ी ओवर द टॉप लगती है। भैरव की एंट्री काशी में उसकी लाइफ बहुत रेगुलर लगती है। ये पोर्शन प्रभास फैंस को तो बहुत भाएगा लेकिन बाकियों को थोड़ा खिंचा हुआ लग सकता है, मगर इंटरवल की तरफ आते हुए समझ आता है कि नाग अश्विन असल में अपने हीरो और कहानी को सेट करने के लिए पहले केयरलेस माहौल बनाते हैं। साइंस फिक्शन वाले संसार में माइथोलॉजी के एंगल के साथ कमल हासन यानी कि सुप्रीम यास्किन के आते ही माहौल बदलने लगेगा और आप चेयर पर सीधे बैठने लगेंगे। इंटरवल से ठीक पहले अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है। फिल्म का माइथोलॉजिकल एंगल यहाँ पर पीक होता है और कहानी का रहस्य पूरा गहरा चुका है। इसके साथ दीपिका की प्रेगनेंसी का एंगल भरपूर इमोशन के साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट कर चुका है जिस पर सेट कहानी जानने की एक्साइटमेंट बहुत तगड़ी महसूस होती है। देखते हैं कि अब सेकेंड हाफ क्या कमाल करता है। कल की 2898 में आपकी एंट्री काशी से होती है लेकिन इंटरवल के बाद एक और नया संसार कहानी में आता है, शंबाला। ये बाकी दुनिया से छिपा कर रखी गई एक जगह है। यहाँ वो लोग हैं जो तबाह होने जा रही दुनिया के आखिरी छोर पर एक उम्मीद के सारे जिंदा हैं। फर्स्ट हाफ में ये बेस तैयार कर दिया गया था कि दीपिका यानी कि सुमति के गर्भ में पल रहा बच्चा साधारण नहीं है। उसमें असाधारण क्या है ये फिल्म के सेकेंड हाफ में पता चलता है। कॉम्प्लेक्स से बचकर भाग निकली सुमति पर बाउंटी है जिसके लिए भैरव उसे पकड़ना चाहता है। कॉम्प्लेक्स के लिए सुमति एक बहुमूल्य एक्सपेरिमेंट है और अश्वत्थामा के लिए अगले अवतार की माँ, इसलिए वो हमेशा सुमति की रक्षा में तैयार है। कल की 2898 एडी का सारा दम सेकेंड हाफ में ही दिखता है। फर्स्ट हाफ के बनाए प्लेटफॉर्म से फिल्म की कहानी जिस तरह ऊपर उठती है और महाभारत के युद्ध से होते हुए अभी के किरदारों को खोलती है, उसे देखते हुए सांस थाम लेने वाली फीलिंग महसूस होती है। फिल्म का क्लाइमेक्स बिल्कुल अकल्पनीय और अद्भुत है। नाग अश्विन के मॉडर्न सिनेमा टेक्निक से जनरेटेड विजुअल्स के जरिए माइथोलॉजी को जिस तरह डेवलप किया गया है उसकी लिए तारीफ बनती है। कल की 2898 ईडी की अपनी समस्याएं भी हैं मगर ये ऐसी फिल्म है जिसे इस बात के लिए थिएटर्स में देखा जाना चाहिए कि आज की विजुअल लैंग्वेज इंडियन कल्चर की ग्रेटनेस को कितना शानदार दिखा सकती है। हमने इंडिया में ऐसी फिल्म बना ली है ये यकीन करने के लिए कल की 2898 एडी जरूर देखी जाने लायक फिल्म है।